व्हाट्स अप एवरीबॉडी, राइट नाउ वी आर एट अरुण बजाज एंड यहाँ पे हमारे पास है ऑल न्यू कलर स्कीम ऑफ बजाज पल्सर RS 100। गाइज बाइक देखने में बड़ी कातिल लग रही, तो आज देखते हैं क्या कुछ चेंजेस बजाज ने यहाँ पे डिलीवर करे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एट द बाइक गाइज, यहाँ पे बहुत ही मिक्स रिएक्शंस बाइकिंग कम्युनिटी की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये कलर स्कीम बहुत पसंद आई, कुछ लोगों को ये कलर स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर्टिकुलरली अगर मेरी बात करें तो जब मैंने इसे पहली बार पिक्स में देखा था इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट में, तो वहाँ पे मुझे इसका कलर बहुत ही ज्यादा फंकी लग रहा था। बट जब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली मेरे खुद के आंखों से देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये कलर काफी डिसेंट सा लग रहा है, काफी अच्छा यहाँ पे उभर के आ रहा है। सबसे मेजर चेंज यहाँ पे हुआ है इसका कलर एंड ग्राफिक्स अपडेट। इसके अलावा कोई भी मैकेनिकल चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं, इवन दो इसके कंप्लीट डायमेंशंस भी सेम ही है सेम एज BS6 वेरिएंट और BS4 वेरिएंट, एक्सेप्ट यहाँ पे BS6 कंप्लीट इंजन आ रहा था तो वो सेम ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पे लगा है डुअल चैनल ABS सिस्टम। जी हाँ गाइस, काफ़ी लंबे समय के बाद में ये अपडेट बजाज ने BS6 वेरिएंट के साथ दिया था एंड उसी में अभी ये कलर का अपडेट भी दे दिया है। तो लुक एट हियर, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैसिव सा 300mm का डिस्क, पेडल डिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड सेंटर में लगी है ABS रिंग एंड बजाज यहाँ पे यूज करता है वाइब्रेक ब्रेक कैलिपर। एंड गाइज यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। उसी के साथ में इसका इंजन तो क्या बात है, इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक्सेप्ट KTM इसका इंजन 200cc कैटेगरी में मोस्ट पावरफुल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 PS ऑफ पावर। चलिए गाइस अभी देख लेते हैं इसमें कलर्स के में क्या कुछ अपग्रेड बजाज ने करा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेस में व्हाइट कलर, जी हाँ गाइस, एंड ये दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है एंड उसी के साथ में यहाँ पे रेड कलर के कुछ स्टिकरिंग जॉब यहाँ पे देखने को मिलती है। इस कलर्स में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है 200 का बैचिंग जो कि दिखने में बहुत ही अग्रेसिव एंड एक रेसी फील यहाँ पे डिलीवर करता है। फ्रंट मडगार्ड पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन फाइबर टेक्सचर एंड रियर मडगार्ड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिलता है एंड कुछ छोटी मोटी डिटेलिंग यहाँ पे बजाज ने करी है जस्ट लाइक हियर, लुक एट हियर। यहाँ पे आपको रेड कलर का स्टिकर मिलता है एंड RS की बैचिंग काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पे देखने को मिलता है पल्सर का 3D लोगो। रिम पर कुछ स्टिकरिंग जॉब करा हुआ है जो कि एक यूनिक सा लुक यहाँ पे डिलीवर करता है, वैसा ही स्टिकरिंग जॉब रेयर रिम पर भी करा हुआ है। एंड सबसे मेजर कलर अपग्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पेरीमीटर फ्रेम जो कि कम्प्लीटली व्हाइट कलर में देखने को मिलती है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे पेरीमीटर फ्रेम को व्हाइट कलर किया गया है जिसमें कि पाउडर कोटिंग करी है, उसके कारण यहाँ पे पेंट फिनिश का भी अच्छा देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स है वहाँ पे आपको ब्लैक थीम देखने को मिलेगा जस्ट लाइक क्लच केस, फ्रंट फुट पैक्स, रियर फुट पैक्स एंड मफलर, यहाँ पे कम्प्लीटली आपको ब्लैक थीम देखने को मिलेगी। फाइनली प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो गाइज यहाँ पे बजाज ऑफर करती है 1,80,600 rupees ऑन रोड नागपुर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइज, यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजाज शायद इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में थोड़ा बहुत अपग्रेड कर ले, लेकिन बजाज ने यहाँ पे बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया। यहाँ पे आपको सेम ही ओल्ड स्कूल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिलता है एंड पर्टिकुलरली मेरी बात अगर करी जाए तो मुझे एनालॉग टैकोमीटर देखने में काफी पसंद आता है। एंड गाइस व्हाइट के साथ साथ यहाँ पे ग्रे कलर भी देख सकते हैं जो कि दिखने में भी काफी अच्छा दिखता है। यहाँ पे बजाज ने स्टिकरिंग जॉब थोड़े बहुत कम करे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैंक पर काफी ज्यादा स्टिकरिंग जॉब हुआ करता था एंड साइड पैनल पे भी थोड़े बहुत स्टिकर आपको देखने को मिलते थे, तो साइड पैनल के स्टिकर चेंज करे हैं एंड टैंक के स्टिकर थोड़ा सा कम करे हैं। तो ओवरऑल लुक की अगर बात करी जाए तो एक्सेप्ट ये व्हाइट कलर के रिम्स, ओवरऑल बाइक काफी अच्छी दिखती है एंड पर्टिकुलरली अगर व्हाइट कलर की बात करी जाए तो यहाँ पे व्हाइट कलर में रिस्क के रिम दिखने में काफी बढ़िया दिखते हैं। इसी के साथ में और एक कलर बजाज यहाँ पे ऑफर कर रहा है जो कि है रेड कलर। फिलहाल वो कलर नागपुर में अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वो कलर नागपुर में अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद भी एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो एंड ये दो बाइक्स पसंद आई होंगी तो लाइक बटन हिट कराना भूलिए, साथ ही साथ अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर ऐसे ही किसी बाइक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।